हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडी ग्राम एजुकेशन पे देखो पिछला सेशन मैंने ड्रॉप किया था ग्रुप टेन को लेके लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वो वापस से हमारी टीम ने उसको निकाल दिया था तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ग्रुप टेन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं कैंडिडेट्स के ठीक है ना इससे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप छः के लेकर भी डिस्कस करूँगा देखो ग्रुप टेन ग्रुप टेन के मेजर डाउट्स क्या है एक तो सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट अप्रोच को लेके ठीक है दूसरा है कट ऑफ को लेके ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों चीज पे एड्रेस करने की भाई कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे जैसा हम सभी को पता है कि जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है ठीक है ना टेंटेटिव डेट लिस्ट आ चुकी है तो आपका एग्जाम ऑन द एनुअल है तो ये चीजें डिस्कस करता हूं देखो सबसे पहले मैं अगर कट ऑफ की बात करूं ना ठीक है कट ऑफ की बात करें सबसे पहले देखो जो कट ऑफ है ना इसमें नंबर ऑफ पोस्टें कम है तो इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं भाई उनको डाउट आ रहे हैं कट ऑफ को लेके जब हम एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं तो ये ग्रुप नंबर जो ग्यारहवीं एडवर्टाइज है ठीक है इसमें जब हम जाते हैं तो ग्रुप नंबर टेन जितने भी स्टैटिस्टिकल पोस्टें हैं ये रहा ग्रुप नंबर टेन जो स्टेटिस्टिकल हैं बी इकोनॉमिक्स हैं उस टाइप की पोस्टें जो भी कैंडिडेट इलिजिबल हैं सबसे पहले तो यह देखना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है यहां पे कम है पहली चीज तो यह जितने भी कैंडिडेट है ना आपने सबसे पहले यह देख लेना कट ऑफ पे जाने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं जितने भी कैंडिडेट हैं जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपने सबसे पहले देख लेना है क्योंकि क्वालिफिकेशन ही ऐसी है जैसे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और वन ईयर एक्सपीरियंस ठीक है अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पे वन ईयर एक्सपीरियंस भी है बट जो इलिजिबल है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस वाली पोस्टों में तो ये मान के चलो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम मिलने वाले हैं ठीक है ना मास्टर डिग्री हो जिसके पास और जिसके पास एक्सपीरियंस हो ठीक है ना सबसे पहला फैक्टर तो ये होगा कट ऑफ डिसाइड करने का ठीक है कट कि ऑफ किसी के पास मास्टर डिग्री है मास्टर डिग्री उसके बाद एक्सपीरियंस और थर्ड पॉइंट होगा जो सीटी सी टी अप्लाई भाई जो कॉमर्स के तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीई टी के लिए तो क्या है अप्लाई नहीं किया था मतलब जिस टाइम पे सीई टी हुआ था ना उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी जैसे आई टी आई वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नहीं अप्लाई किया तो जितने भी आई टी आई वाले थे सभी का ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया ग्रुपों के अंदर तो सेम चीज ये तीन फैक्टर रहने वाले हैं अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है ना मास्टर डिग्री और एक्सपीरियंस तो ये मान के चलो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कम है तो आपका सिलेक्शन मतलब आप इलिजिबल हो जाएंगे तो आपका डेफिनेटली आएगा फोर टाइम्स के अंदर ठीक है ना फोर टाइम्स के अंदर अगर आपके सिक्सटी से सिक्सटी फाइव मार्क्स हैं इतने मार्क्स हैं तो आप ये मान के चलो प्रिपरेशन करते रहो ठीक है ना ये पर्टिकुलर पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें एक्सपीरियंस एड होता है लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है और वही कैंडिडेट रिपीट कर सकते हैं जैसे 38 एट पोस्टें हैं बट यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हो सकती है कि भाई इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हो तो जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट यहां पे भी इलिजिबल होगा यहाँ पे भी इलिजिबल और यहाँ पे भी इलिजिबल एक्सपीरियंस बहुत कम कैंडिडेट्स के पास मिलेगा तो लेकिन जहां पे ग्रेजुएशन है ना ये डिपेंड करता अब मैं ये दोबारा बता देता हूँ भाई कभी कैंडिडेट ये बोल बोलने कि आपने गलत बता दिया मैं पहले ही ये चीज दोबारा बता रहा हूँ कि जो ग्रेजुएशन आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो उसमें तो कट ऑफ हाइज आएगी सेवनटी टू सेवन फोर मान के चलो ठीक है ना इतनी कट ऑफ रहने वाली है लेकिन जहां पे स्पेशल है स्पेशल स्पेशल मैं इसको कह रहा हूं कि मास्टर डिग्री है मास्टर्स है उसके बाद एक्सपीरियंस है उसके बाद सी आपने अप्लाई किया है ठीक है ना ये एक बड़ा फैक्टर है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम मिलेंगे तो इन सभी फैक्टर की वजह से अगर आपके 60 हैं 65 है तो ये मान के चलो इससे भी डाउन आ सकती है कट ऑफ क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम मिलने वाले हैं यहाँ पे ठीक है ना तो हो सकता है इतनी ड्यूरेशन में भाई जब से अब तक भाई प्रिपरेशन ना हो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया हो ग्रुप छप्पन स्तावन का भी किसी ने एग्जाम दिया हो क्योंकि कॉमर्स वाले वहां भी बैठे होंगे हरियाणा पुलिस में भी बैठे होंगे तो ये फैक्टर मैटर करते हैं तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहो एक चीज आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है अगर आपके जो भी मार्क्स हैं सिक्सटी मार्क्स हैं सेवेंटी मार्क्स हैं तो अपनी प्रिपरेशन पर लगे रहो डेफिनेटली आपका क्या आएगा शॉर्ट लिस्ट होगा ठीक है ना तो ये चीज है ये तो थे वो डाउट कैंडिडेट्स के जो कट ऑफ को लेके हैं ठीक है ना तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दिस इज नॉट ए ऑफिशियल कट ऑफ क्योंकि ऑफिशियल डाटा नहीं है हमारे पास तो हम क्या इन्फर कर सकते हैं ठीक है ना दूसरा डाउट कैंडिडेट्स के को ये आ रहा है कि मटेरियल को लेके ठीक है ना तो मैं मटेरियल को लेके बता देता हूं देखो कुछ चीजें जरूरी हैं कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ें ठीक है जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए हमने क्या किया है था? हमने जितनी भी जो ग्रुप टेन की बुक लिस्ट है वो शेयर कर दी थी ग्रुप टेन की जो बुक लिस्ट है ना उसकी जो खास बात ये है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ठीक है ना जब भी आप जाएंगे सिलेबस को देखेंगे तो वो टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने काफ़ी पहले वो अपलोड कर दी थी ये यह यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होती है बुक लिस्ट आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी ठीक है ना तो मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ तो देखो ये हरियाणा इकोनॉमी ठीक है तो हरियाणा इकोनॉमी से स्टार्ट होता है मैं आपका सिलेबस भी वन वन बाय डिस्कस कर देता हूं हरियाणा इको तो सबसे पहला पॉइंट है है हरियाणा इको ठीक तो कुछ कैंडिडेट होंगे वो बजट वगैरह में घुस जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे में उसमें जाने की जरूरत नहीं है बेसिक्स आई ये चीजें कर लेनी है ये बिल्कुल ईजी है यहां से आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट की बुक ऑलरेडी है जो आपने पढ़ सकी पढ़

फिर अ फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक एलिमेंट्री जो मैथमेटिक है ना वो किसी भी बुक से कर लेना आप वही मैथ है वही नंबर सिस्टम वही प्रॉफिट लॉस है वही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये जो बुक है ना ये स्टडी मटेरियल है ये टोटली totally क्या है सिलेबस ओरिएंटेड है ठीक है तो आपने ये कर लेना है टोटली सिलेबस ओरिएंटेड ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहां पे डाल ली थी जो रिलेवेंट है जो हमारी जो खास चीज है इस प्लेटफॉर्म की वो है रिलेवेंसी टोटली रिलेवेंट है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वो थ्योरिटिकल समझ में आ जाएगी चीजें वो सारी की सारी चीजें जो मीडियम मोड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं यहाँ से आप इजिली कवर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ठीक है ना यहाँ से थ्रू हो सकते हैं चीजों को क्योंकि आपके पास टाइम कम है टाइम कम है टाइम कम में ज्यादा कवर करना है। तो ज्यादा कवर आप जैसे ही कर सकते कि इजी लैंग्वेज हो यहां पे इजी लैंग्वेज है आपने पहले पढ़ पढ़ रखा तो आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा यहां से ठीक है तो यहां से करनी है ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए स्पेसिफिक इसके अलावा हरियाणा जी के प्लस कंप्यूटर

एक चीज़ और बता देता हूँ अगर दोबारा कंफ्यूजन है कट ऑफ को लेके तो आपके जितने भी मार्क्स हैं अगर आपके 50 भी नंबर बन रहे हैं पिचपन नंबर बन रहे हैं 60 बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन जरूर जारी रखें क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा काम आती है यहाँ नहीं तो आगे एग्जाम होंगे उसमें काम आएगी ठीक है ना ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में लग गए और वहां से छोड़ दिया और दैट सॉल्व हो गया ऐसा नहीं होता आप धीरे धीरे अपनी इंप्रूव करते हैं धीरे धीरे आप अपना लेवल इंप्रूव करते हैं कंपटीशन को धीरे धीरे चीर के आगे निकलते हैं तो ऐसा है आप अपनी प्रिपरेशन करें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और श्योर शॉर्ट मैं उम्मीद करता हूँ ये विश करता हूँ आपका जल्दी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन होगा ठीक है ना और सिलेक्शन होगा फिर हम डिस्कस करेंगे यही स्ट्रेटजी और यही प्लेटफॉर्म पे आप सभी का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ आपको कितनी रिलेवेंट लगी और कितनी इफेक्टिव लगी ठीक है तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखें तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू